नमस्कार दोस्तों, द एंड्रॉइड गाइड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप जियो फोन को आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। सो ये एक जियो फोन है जिसका जो पासवर्ड था वो भूल गया है। सो पासवर्ड जब यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डिजिट का पासवर्ड है, इनवैलिड कोड लिखा आ रहा है। सो ये जो इनवैलिड कोड आ रहा है, तो इसके लिए आपको ये फोन को फैक्ट्री रीसेट करना होगा। सो मैं आपको बताता हूँ इसका मॉडल नंबर कौन सा है। सो फर्स्ट इसका बैटरी निकाल लीजिए, पीछे में आपको मॉडल नंबर लिखा हुआ आएगा। सो मैं आपको दिखाता हूं। सो यहां पे आप देख सकते हैं F41T ब्लैक, ये इसका मॉडल नंबर है फोन का। सो अगर आपके पास यही फोन है और इसका जो पासवर्ड है वो आप भूल गए हैं, तो फर्स्ट आपको मेमोरी कार्ड और सिम निकाल लेना होगा, क्योंकि ये सारा जो भी कुछ फोन में होगा वो सब कुछ ये डिलीट कर देगा ये फैक्ट्री रिसेट करने के बाद। सो आप बात करते हैं कि फैक्ट्री रिसेट करना कैसे है। तो बैटरी निकालिए एक बार, और उसके बाद आप यहाँ पे आप इसको बैटरी लगाइए, और बैटरी लगाने के बाद ये जो माइक का जो बटन दिख रहा है बीच में, ये जो शॉर्टकट की है उसके बीच में जो माइक का बटन दिख रहा है, इसको आप पहले प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद ये पावर वाला बटन जो है उसको प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद जैसे ही फोन स्टार्ट हुआ उसके बाद पावर बटन छोड़ दें और ये जो माइक वाला बटन है उसको प्रेस रहने दें। उसके बाद आप जैसे ये लोगो आएगा, उसके बाद आपको एक बार ये रेड वाला बटन जो है वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा जो ऑप्शन है वो आ गया है। उसके बाद आपको ये जो फंक्शन की है उससे के हेल्प से आपको नीचे करना होगा, और यहाँ पे देखिए वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। सो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे जैसे ही आएगा, उसके बाद आपको फिर से एक बार रेड बटन जो है उसको उस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन पूछ रहा है यस या नो, तो आपको यस कर देना है। अगर आपको ये फैक्ट्री रीसेट करना है तो आपको यस पे जाकर रेड वाला बटन जो है वही फिर से आपको बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा जो है वो फॉर्मेट हो रहा है, तो इसको आप होने दें। और दोस्तों एक बात है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ये फैक्ट्री रीसेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि फोन का जो बैटरी है वो 50-60% चार्ज रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डाटा था वो रीसेट हो गया है, और यहाँ पे पूछ रहा है रिबूट सिस्टम नाउ। सो रिबूट करने के लिए फिर से आपको एक बार रेड बटन जो है उस पर टैप करना है। तो यहाँ पे देखिए ये रिबूट हो गया, मीन्स ये फोन जो है वो बंद होकर फिर से स्टार्ट हो रहा है, और ये फोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओपन हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ जो पासवर्ड है वो हट चुका होगा अब तक, और अब जाकर आप इस फोन में अपना जो मेमोरी कार्ड या आपका जो सिम है जियो का वो आप इसमें लगा सकते हैं। सो इस तरह से देख सकते हैं ऑन हो रहा है फोन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फोन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह रीसेट हो गया है। जैसा कि आप फोन खरीदते हैं उस समय जैसा फोन आपको जो लैंग्वेज चूज का ऑप्शन देता है वो सब ऑप्शन आने लगा, इट मींस जो फोन है वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है। सो उसके बाद आप इंग्लिश पे मैं टाइप किया हूं, एक्सेप्ट करें जो भी इसका जो है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये जो फोन है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो पासवर्ड था वो हट चुका है, और ये जो फोन है वो बिल्कुल न्यू हो चुका है। सो इस तरह से आप अपने फोन का फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर आप गलती से पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यही जो मैंने बताया उसको आप यूज करें, उस वीडियो को देखकर जो भी आप जो मैंने बताया बटन दबाने के लिए जिस तरह से फॉर्मेट करने के लिए वो आप करें, तो बिल्कुल ये जो पासवर्ड है वो बिल्कुल आपके फोन से हट जाएगा। और ये हर मॉडल के लिए दूसरा दूसरा होता है, तो आपके पास अगर कोई दूसरा जियो का फोन है और उसका मॉडल नंबर आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसका भी शॉर्टकट की बता दूंगा कि किस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.